हमें ना तुम्हें एक चीज दिखानी थी। प्रीतम, हम तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं सोचते, इसलिए तुम भी कुछ ज्यादा मत सोचो। और हम दोनों के अलग होने का टाइम आ गया है। प्रीतम बेटा, वो ससुराल गाड़ी खराब हो गई है, अब साथ में पैसेंजर है, मेहरबानी करके उसे छोड़ दो बेटा। इतनी फॉर्मेलिटी का कर रहे हैं, भेज दीजिए। प्रीतम, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। काम कैसा चल रहा है, बिजनेस एंड ऑल? अच्छा है। तो फिर टाइम निकाल के हमारी शादी की भी डेकोरेशन तुम ही कर देना, 28 तारीख की है। ये प्रीतम है ना? दीदी प्रीतम, आओ साथ बैठो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। तुम दोनों की जोड़ी तो एकदम जय और वीरू से भी खतरनाक है। हाय, ही इज प्रीतम, माय जॉगिंग पार्टनर। रेस हो जाए 2 किलोमीटर दूर सनराइज पॉइंट है, देख लेते। कूल, तो देखते हैं दोनों में से पहले कौन जीतता है। दोनों ही क्यों, सोना भी तो है। अरे सोना के बस की बात नहीं है। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3। I told you, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। And bro, जब दम नहीं हो ना, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। डोंट माइंड, पर एक बात कहें, पढ़ाई तो तुमने बहुत की होगी पर अक्कल तुम्हारे में कौड़ी भर की नहीं। पूरी दुनिया की नॉलेज होने का क्या फायदा जब अपने साथी के बारे में ही कुछ पता ना हो। एनीवेज, जीत मुबारक हो और तुम्हें शादी मुबारक हो।